और ये है सारनाथ का थाई टेम्पल, जो कि थाई लोगों ने, थाईलैंड के लोगों ने बनाया है ये बता रहे हैं। और सामने ये इतना बड़ा स्टैचू बना हुआ है, ये देखें। और इधर से एंट्रेंस है, इधर से वापस आना है। और ये कुछ इस तरह का है स्ट्रक्चर, थाई टेम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, इंडिया में बना हुआ एक थाई टेम्पल आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, वो भी इतना शानदार, इतना बड़ा, इतने बड़े एरिया में बना हुआ, वो भी सारनाथ में। सारनाथ में आना आसान नहीं है, हर कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, बहुत मुश्किल है सारनाथ आना। लेकिन आपको वर्षा जैन के व्लॉग में ये दिख रहा है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये थाई टेम्पल, वर्ल्ड फेमस थाई टेम्पल है, जो कि सारनाथ में है, सारनाथ स्तूप के बिल्कुल आधा किलोमीटर की दूरी पर। ये देखिए सामने अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिस पे चार शेरों की मूर्ति है और उसके ऊपर धर्म चक्र लगा हुआ है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। बेहद शानदार मौसम है, आज रक्षाबंधन का दिन है और हल्की हल्की बूंदाबांदी, बेहद शानदार मौसम। और यहाँ पर कुछ स्टेचूज बनाए हुए हैं बुद्धिज्म के ऊपर, बुद्धिस्ट गुरुओं की मूर्तियाँ और बीच में भगवान बुद्ध बैठे हैं। ये साइड से दिखा रही हूँ मैं आपको थाई टेम्पल, देखिए कितना खूबसूरत है, कुछ इस तरह का लगता है ये थाई टेम्पल। और ये भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, ये देखिए। और ये अशोक चक्र, ये शानदार स्टैचू इनके कुबेर का, इनके धन देवता का, देख रहे हैं ना आप, सुंदर। और यहाँ से देखिए ये कितना सुंदर लगता है थाई टेम्पल। और उसके अंदर भी जाना अलाउड है, अंदर भी मैं आपको लेकर चलती हूँ, लेकिन बाहर का गार्डन दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत गार्डन है ये। और ये सारनाथ में है, जो कि बनारस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, ये देखिए। और मेरे पिछले व्लॉग में आपने सारनाथ का तो देखा ही होगा स्तूप, ये देखिए। और ये मंदिर में लगी हुई है, थाई मंदिर में ये मूर्ति, कितनी बड़ी मूर्ति है, शानदार, और उस पर सोने का काम हो रखा है, पूरी तरह सुनहरी मूर्ति, बहुत ही बड़ी, कम से कम नहीं होगी तो 10-12 फुट की ये मूर्ति होगी। और ये है थाई टेम्पल, और इसके अंदर सिर्फ एक ही मूर्ति है, ये देखिए, बेहद शानदार खूबसूरत मूर्ति। सारनाथ के थाई टेम्पल में इतनी विशालकाय भगवान बुद्ध की प्रतिमा कमल के फूलों के बीच रास्ते से होकर कितनी खूबसूरत दिखाई पड़ रही है, ये देखिए। और यहाँ पर कमल ही कमल खिले हुए हैं पूरे रास्ते में, और बीच में भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं जिस पर नागदेव अपना छत्र किए हुए हैं। और वो इतनी विशालकाय मूर्ति है, ऐसा लग रहा है कि आसमान से बातें कर रही है। मुझे बेहद खूबसूरत लगे हुए ये मूर्ति, सारनाथ में बनी हुई है ये मूर्ति, थाई टेम्पल, इतनी बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति। और इस सरोवर का नाम है गौतम बुद्ध सरोवर, और इसमें पूरी तरह कमल खिले हुए हैं, कमल के फूल उगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कमल के पत्ते देख सकते हैं, फूल देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा विशुद्ध अवस्था में, जैसे कि दीक्षा दे रही है, और इसके ऊपर नागों ने छत्र किया हुआ है, और नीचे भी नागों लिपटे हुए हैं, यानी कि भगवान बुद्ध नाग पर विराजमान है और उन्होंने उसके ऊपर छत्र भी किया हुआ है। पूरी तरह जड़ें ही जड़ें दिखाई दे रही हैं, कमल पूरी तरह खिले हुए हैं, पूरा अंदर जड़ों से भरा हुआ है, कमल खिले हुए हैं। और ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा, और ये विशालकाय मूर्ति, ऊपर सूरज भी चमक रहा है, बादल भी कड़क रहे हैं, गजब का मौसम है।
खूबसूरत लग रही है। देखिए इसका अवलोकन कीजिए, दर्शन कीजिए और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध आपको टीच कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आपको उपदेश दे रहे हैं। भगवान बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अभी आपको प्रवचन देंगे, दीक्षा देंगे। फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बनारस के 5-6 व्लॉग्स के बाद सारनाथ के मंदिरों के व्लॉग्स, स्तूप्स के व्लॉग्स सब मैं पोस्ट कर रही हूँ, आपको समय पर मेरी वीडियो मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारनाथ स्तूप, सारनाथ मंदिर सभी दिखाती हूँ। जल्द मिलते हैं।